वाईडीसी के अंदर, वाईडीएससी के अंदर हमने पहला फॉर्मूला किया था, पाथ डिफरेंस की वैल्यू आपने नोट की पी पॉइंट पर स्मॉल एक्स स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, पहला फॉर्मूला। एनथ ब्राइट फ्रिंज निकालने का फॉर्मूला एन लैम्डा डी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, चेक कर लो। डार्कनेस का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला टू एन माइनस वन इंटू लैम्डा डी बाई टू डी, स्मॉल डी डिनोमिनेटर में स्मॉल डी। बीटा निकालने का फॉर्मूला लैम्डा बड़ा डी बाई स्मॉल डी, ये सारे फॉर्मूले हमने किए। इसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसे। तो इसके अंदर ये क्या बता रहा है इसको समझना पड़ेगा। आप ये फॉर्मूला ना याद करके अपना टाइम खराब ना करें बिल्कुल भी, आप सिर्फ टेक्निक सीख लें। आपको अगर ये टेक्निक पता लगी तो आपको ये कुछ भी याद नहीं करना, कम से कम तीन फॉर्मूले तो आपके दिमाग से निकलते ही हैं। तो पहली चीज है क्या निकालना है, क्या स्टेटमेंट दी, वाई डी एस सी के अंदर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन डार्क फ्रिंज ऑन द आइदर साइड। अब इसने क्या बोला, इसने ये बोला कि आपके पास जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, तो अगर मैं यहां पे डायग्राम ड्रॉ करूं, ये मेरा, ये मेरी स्क्रीन है, ये स्लिट्स हैं और ये मेरा सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है। तो सेंट्रल पॉइंट है, इसके अंदर अगर मैं बात करूं कि मेरे को ब्राइटनेस की विड्थ निकालनी है, और ब्राइटनेस कैसे बनती है, ग्राफ अभी मैंने आपको कुछ ये ग्राफ बना के दिखाए थे, मैक्सिमा मिनिमा के कुछ इस तरीके से ग्राफ थे, फिर बना देता हूं ऐसे 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 ग्राफ चल रहा था, मतलब इसका मतलब ये इंटेंसिटी मैक्सिमम है, फिर मिनिमम है, फिर मैक्सिमम है, ऐसा ही है। तो मैंने आपको ये क्या कहा था, इसके अंदर ये सेंट्रल पॉइंट है, राइट, सेंट्रल जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम से ज्यादा है। मेरे को विड्थ निकालनी है कि ये ब्राइटनेस कहां से कहां चलेगी, तो ये क्या चीज है, फर्स्ट डार्कनेस, और नीचे भी क्या है, फर्स्ट डार्कनेस। ये सेंट्रल पॉइंट के ऊपर भी डार्कनेस है, नीचे भी डार्कनेस है, और मुझे क्या करना है, मुझे इसकी विड्थ निकालनी है कितनी होगी। विड्थ का मतलब ये सेंट्रल पॉइंट की ब्राइटनेस ही ब्राइटनेस है, देख रहे हो ये ब्राइटनेस ही ब्राइटनेस है, तो मुझे इसकी विड्थ निकालनी है। तो इसकी विड्थ क्या होगी, अगर आप मुझे ये डिस्टेंस निकाल के दे दें कितना, एक्स, पहला डार्कनेस कहां मिलेगा मुझे, जितना ऊपर मिलेगा एग्जैक्टली उतना ही नीचे मिलेगा। तो विड्थ की वैल्यू यहां पे क्या जाएगी, 2x। जो विड्थ की वैल्यू यहां पे सॉल्व करके क्या आएगी, 2x। कोई डाउट इसमें, ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि अगर आप एक डार्कनेस ऊपर निकाल दें वही डार्कनेस आपको नीचे भी मिलेगी, तो टोटल विड्थ 2x हो जाएगी। अब ये बताओ कि डार्कनेस निकालने का, डिस्टेंस निकालने का तरीका था क्या, अभी लिखा था मैंने 2n माइनस वन, ये डार्कनेस निकालने का तरीका क्या था, 2n माइनस वन इंटू लैम्डा डी बाय 2d। और बताओ ये कौन सा डार्कनेस है, फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब n की जगह क्या पुट करेंगे, 1, तो क्या आंसर आएगा, लैम्डा डी बाय 2d। तो ये पहले डार्कनेस की दूरी आ गई, जितनी दूरी ऊपर उतनी दूरी नीचे, तो मैं क्या निकालने जा रहा हूं, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा, 2x, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, लैम्डा डी बाई 2d, 2 से 2 कैंसल, क्या आ गया, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। और नोट करो यही तो बीटा था, बीटा लैम्डा डी बाई स्मॉल डी सेम है। तो जो नॉर्मल फ्रिंज है वो भी लैम्डा डी बाय स्मॉल डी है, सेंट्रल फ्रिंज की विड्थ भी लैम्डा डी बाय स्मॉल डी है। क्या ये स्टेप सबको समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें, तो आप चेक कर सकते हो आपका पहला फॉर्मूला यही तो है। वो कह रहे जी सेंट्रल की जो विड्थ है वो दो डार्कनेस के बीच में दूरी है, दो डार्कनेस की दूरी ये रही, हमने कैलकुलेट किया और आंसर क्या आ गया, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। मतलब मेरे को लगता है कि अगर मेरे को टेक्निक पता है तो मेरे को फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं, मैं ऐसे ही याद करे बैठा हूं कि बीटा चाहे ब्राइट फ्रिंज हो चाहे डार्क हो चाहे सेंट्रल पॉइंट हो, बीटा की वैल्यू विल रिमेन सेम। पहला फॉर्मूला क्लियर है। दूसरा, ये बहुत यूज होते हैं दोनों फॉर्मूला, स्पेशली ऑब्जेक्टिव के अंदर भी और एनसीईआरटी हर जगह यूज होते हैं, एंगुलर विड्थ। एंगुलर विड्थ, ये एंगुलर वर्ड जब भी आएगा उसको समझ लो कि एंगुलर का मतलब क्या है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एंगुलर वर्ड यूज होता रहता है, बहुत ही कॉमनली यूज है। कैसे, देखो जब भी मान लो उसने क्या पूछा, एंगुलर विड्थ
एंगुलर विड्थ ऑफ, या मुझे एंगुलर विड्थ निकालनी है ऑफ ब्राइटनेस या डार्कनेस, कुछ भी। ये एंगुलर विड्थ का मतलब एंगल होता है। एक चीज याद रखना, ये आपके पास कोई भी डार्कनेस या ब्राइटनेस की विड्थ है, और इस विड्थ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय बीटा, है ना। डार्कनेस या ब्राइटनेस की कुछ तो चौड़ाई होगी और वो कितनी है, बीटा। अब इसके अंदर आपने कुछ नहीं करना, ये कितना एंगल बनाएगी, ये जो है ये कितना एंगल बनेगा इसका, मान लो स्लिट के सेंटर पे, जैसे ये दो स्लिट थी, दो स्लिट के सेंटर पे, तो स्लिट और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, कैपिटल डी। तो कैपिटल डी डिस्टेंस दूर, इस पूरी विड्थ ने कितना एंगल बनाया, मान लो थीटा एंगल बनाया, इस थीटा को बोलते हैं एंगुलर विड्थ। तो एंगुलर विड्थ अप्रोक्सीमेटली टैन थीटा के बराबर होगी बीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। तो बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। तो आंसर क्या आ गया, लैम्डा बाय स्मॉल डी। मतलब आपको ये एंगुलर विड्थ ब्राइट या डार्क फील्ड की बिल्कुल भी याद नहीं करनी। एंगुलर विड्थ कभी भी आ जाए तो जो स्क्रीन का डिस्टेंस है उसको सिंपली कैपिटल डी से डिवाइड कर दो, अपने आप एंगुलर विड्थ आ जाएगी। जैसे ये मैंने किसकी एंगुलर विड्थ निकाली, फ्रिंज विड्थ की, तो फ्रिंज विड्थ तो बीटा है, बीटा की एंगुलर विड्थ को बीटा से कैपिटल डी से क्या कर दिया, डिवाइड, एंगुलर विड्थ आ गई। सिर्फ यही नहीं, इमेजिन करो ये सेंटर पॉइंट है, और लेट अस सपोज ये जो पॉइंट है ना, ये सेंट्रल पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये मान लो टेंथ ब्राइटनेस है, टेंथ ब्राइटनेस है, ठीक है। अब टेंथ ब्राइटनेस का फॉर्मूला होता क्या है, एन लैम्डा डी बाई डी, तो एन की जगह क्या पुट करेंगे, टेन, यानी कि टेन लैम्डा डी बाई डी। उसने पूछ लिया कितनी दूरी है, टेंथ ब्राइटनेस कितनी दूर है, फिर तो आंसर आ गया। पर अगर उसने ये पूछ लिया टेंथ ब्राइटनेस की एंगुलर पोजीशन क्या है थीटा, या एंगुलर विड्थ कितनी है, तो आपने कुछ नहीं करना, एंगुलर विड्थ में जो भी आपने डिस्टेंस निकाला उसको सिंपली कैपिटल डी से डिवाइड करते हैं। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 10 लैम्डा डी बाई डी आंसर। तो मैंने बड़ा सिंपल याद किया हुआ है, मेरे को लीनियर डिस्टेंसेस तो पता है स्क्रीन के, और जब भी मुझे एंगुलर निकालना है उसको मैं कैपिटल डी से डिवाइड कर दूं, आंसर आ जाएगा। तो मेरे को कुछ भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्लियर है यहां तक। तो मतलब आप इसके फॉर्मूला अननेसेसरी याद करेंगे बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसने ब्राइट और डार्क फ्रिंज की एंगुलर विड्थ पूछी, तो बीटा को डी से डिवाइड कर दो, वो एक्स टेंथ ब्राइटनेस की पूछेगा उसको कैपिटल डी से डिवाइड कर दो, आंसर। एक उससे भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर आप पूरे YDSC के एक्सपेरिमेंट को पानी में डाल दें और पानी में एक्सपेरिमेंट करें, ग्लास में डाल दें, यानी कि किसी ऐसे मीडियम में डाल दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो क्या होगा। हमने एक रिजल्ट किया हुआ है, रिजल्ट ये किया हुआ है कि मीडियम में डालते ही लैम्डा डैश क्या हो जाता है, लैम्डा बाय म्यू, ये मैंने लास्ट टाइम करवाया था। तो आपका जो नया लैम्डा है वो लैम्डा बाय म्यू हो जाता है। अब बीटा का क्या होगा, फ्रिंज विड्थ का क्या होगा, जो फ्रिंज विड्थ है वो इसके इक्वल होती है डार्क या ब्राइट की, ना तो कैपिटल डी चेंज किया उसने, ना स्मॉल डी चेंज किया। पानी में जाते ही या डेंसर मीडियम में जाते ही क्या चीज चेंज होगी, लैम्डा। तब होगा क्या, जब आप इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डाल देंगे, ये पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, म्यू से क्या करना पड़ेगा मुझे डिवाइड, क्योंकि लैम्डा लैम्डा नहीं रहेगा, लैम्डा में म्यू हो जाएगा, लेकिन ये तो नया बीटा डैश आ गया, तो यानी कि आंसर क्या आएगा, बीटा डैश इज बीटा बाय म्यू, सिंपल। तो मतलब जब आप किसी भी YDSC के ऑपरेटर्स को किसी डेंसर मीडियम में डालेंगे तो शॉर्टकट है, लैम्डा कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय म्यू, और बीटा कितना हो जाएगा, बीटा बाय म्यू। तो बीटा वैक्यूम है, उसको म्यू से डिवाइड कर देंगे तो नया बीटा आ जाएगा, ऐसे ही नया लैम्डा आ जाएगा। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या करना है इसमें, ये शॉर्टकट रिजल्ट आपने याद रखने हैं, कोई डाउट इसमें, ठीक, तो लिख सकते हो इसे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे अभी।